इंदौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर शहर के भारी क्षेत्र में आने वाली यात्री बसों के लिए बनाए गए नायता मुंडला स्थित यात्री बस स्टैंड का संचालन सोमवार सुबह से शुरू हो गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और निगम कमिश्नर शिवम वर्मा की माने तो AICTSL की 12 बसों का संचालन आज से शुरू किया गया है। वहीं निजी बस ऑपरेटर से इस बस स्टैंड के उपयोग को लेकर संपर्क किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही बस स्टैंड से संबंधित यात्री बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। देखिए, माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में जो नायदा मुंडला पे हम लोगों ने बस सेवा शुरू करने का वो काम था, वो चालू कर दिया गया है। आज हमारी बसें चालू भी हो गई हैं और AICTSL की 12 बसें जो कि वहाँ पे आज संचालित होंगी आज से। साथ ही साथ कुछ जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनसे ही बात हुई है और उनकी भी कुछ बसों को संचालन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो सभी बसें आज से, जैसा कि कलेक्टर सर के निर्देशन है, उस पर संचालित हों और यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं मिले। उसके लिए हमारे अधिकारी विजिट भी कर रहे हैं, हम लोग खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित ही नायता मुंडला की ये सेवाएं मतलब यात्रियों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी।